शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक भी, अगर किसी वस्तु व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक है हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी भावनाओं को पहुंचाना नहीं है। अगर आपके साथ कुछ इसी तरह से प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है उसे कट कर देना, और कट करने के बाद आप लोग को बैंक आ जाना। बैंक आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आएंगे, या तो फिर अगर आप कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपने फ़ोन पे में, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर फ़ोन पे को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट के यानी लोगो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बैंक का ऑप्शन दिखाई देगा, तो बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा इंटरफेस आएगा। अगर आपको 10 या 15 या 2 या 4 बैंक लिंक है तो यहाँ पर सभी बैंक का लिस्ट दिखाई देगा। तो जिस भी बैंक में प्रॉब्लम आ रहा है उस बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा अनलिंक बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर अनलिंक कर देना। जैसे अनलिंक करेंगे आप लोग को बैंक आ जाना, बैंक आने के बाद नीचे आ जाना। उसके बाद यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद आपका इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी फ़ोन पे है उसे प्रेस कर ले रहना। उसके बाद ऐप इन्फो में जाना। जैसे ऐप इन्फो में जाएंगे या तो फिर आप कोई सा भी एप्लीकेशन या कैमरा वाला एप्लीकेशन को ओपन करके डायरेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना यानी मिनिमाइज वाला। उसके बाद जो लोगो है इस पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर खोज लेना कि आपका फ़ोन पे कहाँ है। अगर नहीं मिलता है तो आपको बाय चांस यहाँ पर सर्च कर लेना। तो जैसे ही फ़ोन पे आएगा यहाँ पर क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टोरेज वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद क्लियर ऑल डाटा मार देना। जैसे क्लियर ऑल डाटा मारने के बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद डाटा यूजर में जाना है। तो डाटा यूजर में जाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, तो यहाँ पर देखना कि सभी ऑन होना चाहिए। बाय चांस में अगर कभी ऑन है तो इसे बंद करके एक बार चेकआउट करना। अगर आपका बंद है तो ऑन करके यानी चेकआउट करना। इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर जाना है अपने प्ले स्टोर में। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्ले स्टोर में जाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना फ़ोन पे। फ़ोन पे टाइप करने के बाद यहाँ पर देख सकते कुछ इस तरह से आएगा। तो जो फ़ोन पे एप्लीकेशन है सबसे पहले इसे अपडेट कर लेना। अगर आप अभी तक अपडेट नहीं किए हैं तो सबसे पहला काम यही है कि अपडेट करना, लेकिन जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसी तरह से। अब इतना अपडेट होने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइज। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़ोन पे ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पर फर्स्ट बार इसे ओपन करना फ़ोन पे को। अब इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट बार ओपन करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर एंटर करना, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना। तो मैं फटाफट क्लिक कर लेते हैं। मैंने मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक किया हूँ। थोड़ा टाइम तक वेट करना, यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो ऑटोमेटिक फिल होगा। और जैसे फील होता है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो परमिशन है अलाउ कर देना। एक भी मिस्टेक आपको नहीं करना। जैसे ही आप अलाउ करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से बैंक अकाउंट ऐड करना है। अब जो बैंक अकाउंट में आपको प्रॉब्लम आ रहा था, तो प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करके आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक अकाउंट का, तो बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर जो भी बैंक आपको ऑलरेडी ऐड रहेगा तो यहाँ पर दिखाई देगा। नहीं ऐड रहेगा तो नीचे में ऐड न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पर जो भी बैंक का नाम है वो यहाँ पर सर्च कर लेना। तो मैं यहाँ पर जो भी अपना बैंक है, तो मैं बिहार ग्रामीण बैंक है ये जो सर्च कर लेता हूँ। अब मैं आप लोग को एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि यहाँ जो प्रॉब्लम आता है एक्चुअली गाइज, कि ये जो बिहार ग्रामीण बैंक है या तो फिर ग्रामीण लेवल का जो भी बैंक है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो आप एक बार चेकआउट करना आपका नज़दीकी सर्वर में, या तो फिर आपको इस बैंक का ब्रांच में जाकर ही UPI पिन सेट करना, तो काफ़ी चांस है कि यहाँ पर सेट हो जाएगा। एक दो दिन सेट नहीं होता तो तीसरा दिन आपको बैंक विजिट करना, वहाँ सेट करना, तो सेट होने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि मैंने भी उसी तरह से सेट करने का प्रयास किया हूँ और मेरा भी 100% सेट हुआ। तो यहाँ पर जैसे मैं ग्रामीण बैंक आइकन पर क्लिक करता हूँ,
तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। बट आपको थोड़ा टाइम तक वेट करना, उसके बाद जो भी यहाँ पर दिखाई देगा, अब जितना भी आपको बैंक में रजिस्टर होगा तो वो सभी कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना, या तो यहाँ पर सेट करने के लिए सेट यूपीआई पिन के ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे सेट करेंगे तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का जो भी है आपको यहाँ पर डिटेल्स एंटर करना। मेरा डेबिट कार्ड का डिटेल्स है जो मैंने यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर वैलिडिटी डेट आप लोग को ध्यान से एंटर करना, तो जो मेरा यहाँ पर है वो यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। लेकिन इससे पहले हमारे यूपीआई पिन फिर से सेट नहीं होगा, इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो कार्ड नंबर है वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक्सपायरी डेट है वो गलत है। आप एक बार चेक आउट करना कि मेरा कार्ड नंबर और मेरा एक्सपायरी डेट, यानी आपका कार्ड नंबर और आपका एक्सपायरी डेट दोनों यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। और तीसरा जो गलती है आगे बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। और यहाँ पर दोनों सही एंटर होना चाहिए। और सही एंटर होने के बावजूद यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान देखना, क्योंकि कार्ड एक्सपायर हो जाता तो यूपीआई पिन सेट करने में प्रॉब्लम आता है। तो एक बार चेकआउट करना कि आपका कार्ड एक्सपायर हुआ है या नहीं। तो मेरा जो यहाँ पर चौथा महीना है और यहाँ पर 2024 का, अभी 2024 का पाँचवा महीना चल रहा है, इसलिए मेरा कार्ड एक्सपायर हो गया है, तो मेरा यूपीआई पिन सेट नहीं होगा, पहला गलती। और दूसरा यहाँ पर मैं आगे बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जैसे सेट करने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा तक वेट करना, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा जो 6 डिजिट का होगा, वो बैंक का ओटीपी होगा। तो थोड़ा टाइम तक वेट कर लेते हैं। मेरे बैंक का से जो भी ओटीपी आ गया यहाँ पर आ गया, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना। अब दूसरा जो बड़ी गलती है, जो एक ही यूपीआई पिन को बार बार सेट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना, आपको अलग यूपीआई पिन सेट करना है सबसे हटके, तभी यहाँ यूपीआई पिन सेट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो अलग है वो सेट करना। अगर पहले से आप ऑलरेडी यूपीआई पिन कहीं सेट कर रखे हैं इसी बैंक में, तो इसे सेट नहीं करना, वरना सेट नहीं होगा। मैंने इस तरह का प्रॉब्लम एक्चुअली इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मेरा डेबिट कार्ड है वो एक्सपायर हो चुका। आप अपना चेकआउट करना। 3 गलतियाँ जो मैंने आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड चेकआउट करना कि आपका यहाँ पर एक्सपायर तो नहीं हो गया। दूसरा, आप लोग को जो गलती करते हैं कि एक ही यूपीआई पिन को बार बार सेट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आप लोग को अलग यूपीआई पिन लगाना है दूसरा। और तीसरा ये है कि आपको बैंक जाके ही कभी कभी ट्राई कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर सर्वर बहुत कमज़ोर होता है और ग्रामीण लेवल का जो भी बैंक है उसमें ज़्यादा सर्वर कमज़ोर होता है, इसलिए आप लोग को बैंक जाके एक बार ट्राई करना। आई होप दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी दिक्कत आ रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अगर आपका ग्रामीण बैंक नहीं है किसी अदर बैंक में आ रहा है जो प्रॉब्लम, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और भी किसी बैंक में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सर्वर में दिक्कत है, और आपको जो बताया डेबिट कार्ड का, और आपका मोबाइल में इंटरनेट बैंकिंग चालू होना चाहिए, और आपका इंटरनेट है थोड़ा काफ़ी फास्ट होना चाहिए, तभी यह काम करेगा। अदरवाइज यूपीआई पिन सेट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसके अलावा और कोई दिक्कत है ही नहीं जिसकी वजह से यूपीआई पिन सेट ना हो।